की बुलेटिन की शुरुआत कोरोना टॉप 20 के साथ। भारत में कोरोना के 97,570 नए केस, शुक्रवार को 10,91,000 से ज्यादा हुए टेस्ट। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 46,59,000 के पार, इनमें 9,58,316 एक्टिव केस। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 36,24,000 से ज्यादा। भारत में कोरोना संक्रमण से अब तक 77,372 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,71,000 एक्टिव केस, 7,15,000 मरीज हुए ठीक, 28,724 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 47,918 एक्टिव केस, 4,35,000 मरीज हुए ठीक, 8,231 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना से 26,907 एक्टिव केस, 1,78,154 मरीज हो चुके हैं ठीक, 4,687 लोगों की गई जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 96,191 एक्टिव केस, 4,46,000 मरीज हुए ठीक, 4,779 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 98,000 एक्टिव केस, 3,34,000 मरीज हो चुके हैं ठीक, राज्य में 7,067 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 23,461 एक्टिव केस, 1,69,000 मरीज हुए ठीक, 3,828 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना के 15,000 एक्टिव केस, 1,39,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक, 797 लोगों की गई जान। ओडिशा में कोरोना के 30,450 एक्टिव केस, 1,12,000 मरीज हो चुके हैं ठीक, 605 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना के 16,286 एक्टिव केस, 91,343 मरीज हो चुके हैं ठीक, मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3,180। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 67,321 एक्टिव केस, 2,27,000 मरीज हो चुके हैं ठीक, अब तक 4,282 लोगों की गई जान। राजस्थान में कोरोना के 15,859 एक्टिव केस, 81,000 मरीज हुए ठीक, 1,207 लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना के 18,875 एक्टिव केस, 68,525 मरीज हो चुके हैं ठीक, 932 लोगों की मौत। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,86,00,000 के पार, 71,053 से ज्यादा एक्टिव केस। 2,05,00,000 मरीज हो चुके हैं ठीक, मौत का आंकड़ा 9,19,000 के पार। अमेरिका में 66,36,000 से ज्यादा लोग संक्रमण का शिकार, 1,97,000 से ज्यादा मरीजों की हो चुकी है मौत। ब्राजील में 42,83,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, 1,30,000 से ज्यादा की मौत।